इम्तियाज जलील को चंद्रकांत खैरे ने ही लोकसभा इलेक्शन में खड़ा किया था। ऐसा विवादित बयान हर्षवर्धन जाधव ने सुबेदारी गेस्ट हाउस के पत्रकार परिषद में दिया है। एक स्टेटमेंट हुआ था माननीय उद्धव ठाकरे जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ये सेक्युलर नहीं था। ये बात सही है कि औरंगजेब सेक्युलर नहीं था, और ये मुझे लगता है कि इस हमारे औरंगाबाद के जिनको लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन यादव की वजह से चुनके आए हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि इम्तियाज जलील ये चंद्रकांत खैरे जी के चेले हैं। चंद्रकांत खैरे जी ने उनको खड़ा किया ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए, और फिर वो खैरे साहब चुनके आ जाए, मगर दुर्दैव से वो नहीं आ पाए। लेकिन उनको भी, इम्तियाज जी को भी ये मानना पड़ेगा कि औरंगजेब ये सेक्युलर नहीं था, औरंगजेब कम्युनल आदमी था। सिर्फ हिंदुओं को कम्युनल बोलना ये बात ठीक नहीं है। इस्लाम मुस्लिम समाज में भी अगर कोई सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करता हो, हिंदू को बाजू में रखकर के चलने की बात करता हो, तो वो आदमी सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से सेक्युलर नहीं होता है। हर्षवर्धन जाधव ने जो कहा है उसका जवाब दिया है MIM के स्पोक पर्सन जमीर खादरी ने। ये रहा उनका जवाब। कन्नड़ असेंबली हल्के के साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव का एक बयान सुना मैंने आज। उनका कहना था कि इम्तियाज जलील साहब को चंद्रकांत खैरे ने खड़ा किया है। मैं तो समझता हूँ कि हर्षवर्धन जाधव का जहनी तवाजुन बराबर नहीं है आजकल, और कभी वो अपने ससुरे के बारे में, खुसर के बारे में बुरा भला कहते हैं, कभी बीवी के बारे में बुरा भला कहते हैं। बाल जेल में 2 महीने रहने के बाद भी उनका दिमाग ठिकाने नहीं आया, अब वो पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। वो इम्तियाज जलील साहब पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्हें खैरे ने खड़ा किया था, और खैरे साहब ने पहले ऐलान किए थे कि हर्षवर्धन जाधव को इम्तियाज जलील ने खड़ा किया था। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इन्होंने उनको खड़ा किया था कि उन्होंने इनको खड़ा किया था। मेरी समझ में तो ये आता है कि इम्तियाज जलील साहब की लकीरों में, हाथों की लकीरों में, उनके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने रुकने पार्लियामेंट बनाने का फैसला किया था उन्हें, और उनके मुकद्दर से वो जीते हैं। वरना चंद्रकांत खैरे जो 30 वर्षों तक औरंगाबाद के खासदार रहे और उन्हें कोई हरा नहीं सका, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने हरा दिया, अंतुल्य हो, रफीक जकरिया हो या उत्तम सिंह पवार हो, ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतों को उन्होंने हरा दिया। लेकिन खैरे साहब इम्तियाज जलील साहब के सामने टिक नहीं सके, क्योंकि इम्तियाज जलील ने पहले प्रदीप जायसवाल को हराया था असेंबली इलेक्शन में, और बाद में खैरे साहब को हराया, और शिवसेना की जो बुनियाद थी उसे ख़त्म कर दिया। जहाँ तक हर्षवर्धन जाधव की बात है, ये तो फैट में थे नहीं, इनकी बदौलत ही मजलिस को यहाँ पर कामयाबी मिली, और अब इनका ज़हनी तवाज़ुन 2 महीने तक जेल में रहने के बाद कैदियों जैसा हो गया है, और वो बिला वजह की बौखलाहट में आड़ी तीढ़ी बातें कर रहे हैं। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनका ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखे और इनका सियासी जहन भी बरकरार रखे, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम ने बहुत काम किया था, बहुत नाम भी किया था। तो मैं इस चैनल के ज़रिए उन्हें जवाब दे रहा हूँ कि इम्तियाज जलील का जिक्र न कीजिए, क्योंकि वो मुकद्दर का सिकंदर है,